क्या क्या बातें आखा ने फरमाई 1450 साल पहले। आखा ने फरमाया सुबह उठो, क्या करो, सुबह उठो, उस वक्त उठो जिस वक्त उठने का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया। उठते हम लोग, उठते उस वक्त उठो जिस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने उठने का हुक्म दिया। हजरत अली का वो कौल बार बार दोहराऊं, हजरत अली ने फरमाया जिस दौर में लोग उठकर सूरज को उठाते हैं कभी अल्लाह उनको जलील नहीं करता, और जिनको सूरज तुलू होकर उठाता है वो कभी कामयाब नहीं होते। कौन है वो, जरा कोई जाओ ऊपर, स्कूल ऊपर कौन है, जरा नूर भाई जरा देखो। हजरत अली ने फरमाया जो कौम जिस जमाने में उठकर सूरज को उठाती है वो कौम कभी जलील नहीं होती, और जिसे सूरज तुलू होकर उठाता है वो कभी कामयाब नहीं होती। आज उठते हम लोग, कैसे दौर, कैसे हालात, कैसे टेंशन और कैसे दुश्मनों के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं, फिर भी हमको सुबह की नमाज के लिए उठने का ख्याल तक पैदा नहीं होता, ख्याल तक पैदा नहीं होता। हजरत हकीम अख्तर अलैहि रहमा ने किताब में फरमाया उठना ना उठना बात की बात, सोते वक्त भी इरादा नहीं होता आज तो मुझे फजर पढ़ना है, इतना भी इरादा करके नहीं सोचते। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रात को सोते वक्त जो आदमी पक्का इरादा करके सोता है आज सुबह को मुझे जरूर उठना है, फजर पढ़ना है, जल्दी सोना है, फजर ना मिस हो जाए, ये खौफ के साथ जो सोता है उसे अलार्म नहीं उठाता बल्कि अल्लाह के फरिश्ते उठाते हैं। किस काम की है टेक्नोलॉजी तो तुम्हारे हाथ में 15-15, 20-20, 25-25 हजार रुपए के, एक एक लाख रुपए का भी मोबाइल है, 400-500 रुपए, 600 रुपए का भी मोबाइल है नहीं है, इसे बोल के सो गए तो बस इन्हें तो उठा डालता, जोरू को, अम्मा को, बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं, खाली सैमसंग को बोलकर सो गए जरा उठा दलवा पदर को, उठे तक छोड़ता नहीं, उत्ता बमड़ा मारता। हर 10 मिनट को एक मरतबा सेट कर डालो, इतना उठाता, इतना उठाता, इतना उठाता। हम समझते हैं कि लोहे का, प्लास्टिक का, कांच का पुर्जा है, हकीकत में इसे भी अल्लाह का डर और खौफ है।